ईरान और हिंदुस्तान के बीच होने वाली है। दोनों पहलवान वार्म अप हो चुके हैं। दर्शकों से निवेदन है कि अपनी सांसें रोक लीजिए। सॉरी ईरान को राजा ईरान विशेष ध्यान दें और कुश्ती शुरू करने से पहले रेफरी से अपना नाम बुला लें और पर्ची ले लें मेरे से। बलो नाग देवता की हरीश पिकेकर बबलू ज्वाली हरीश पिकेकर बबलू ज्वाली विशाल पठानकोट। कृपया रेफरी ध्यान दें। चार चार जोड़ियां हो गई हैं और रेफरी अलग से एक एक जोड़ी को देखे कहते हैं और रेफरी अपनी जजमेंट नहीं दे पाते हैं तो रेफरी चुस्त रहे। बहुत ही जानदार और शानदार मुकाबले चलते हुए इस महादंगल सलूनी के प्रांगण में ईरान और पंजाब के बीच में बहुत ही जानदार और शानदार मुकाबला चलता हुआ। ये कृपया ध्यान दें बाहर ना अखाड़े के बाहर मुकाबले चलते हुए बल्ले बल्ले हो गई है भाई बल्ले बल्ले हो गई। अशरफ चिकरीगढ़ ने यह मुकाबला जीते इस बच्चे के लिए जरा मजा ले रहे हैं आप लोग सब इस बधाई के पात्र हैं। हरीश पिकेकर बबलू ज्वाली हरीश पिकेकर मैं जिनके नाम पुकार रहा हूँ साहिब सिंह हिमगिरी बिल्कुल ये जनता की मांग है ये निर्णय नहीं हुआ है तो इनको दोबारा से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। सलीम पठानकोट और साहब सिंह बघेलगढ़ कमेटी का साहब सिंह पहलवान चंबा के मशहूर इसके बाद एक और बड़ी कुश्ती दोबारा से आएंगे जिंदा भैरा गुलाम साबर मलेर कोटला ये हाथ जोड़ी के लिए दोनों आए जिंदा भैरा गुलाम महादंगल कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। इनको आशीर्वाद कमेटी द्वारा मिल चुका है क्यूम टिकरीगढ़ ये बीच में आ जाए और शेरदाना बीच में आ जाए। महादंगल में इसके बच्चे के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए जोरदार तालियां।